गुड मॉर्निंग दोस्तों, योगी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जहानाबाद आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन टॉपिक, जिस पर धीरे धीरे करके हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। क्या है मोटिवेशन, कैसे मोटिवेशन की प्रोसेस होती है और कैसे आगे चल के ये शिक्षार्थी के जीवन में लाभ प्रदान करती है, इस चीज़ पर हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मोटिवेशन शब्द, जो मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन मीन्स होता है अभिप्रेरणा, और मोटिवेशन शब्द मोटम से मिलकर बना है। मोटम लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना है। और बेसिकली मोटम का अर्थ क्या होता है, मोटम का अर्थ होता है मूव करना। मूव करना मतलब गति करना या मोशन, गति, मोशन या गति। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होगी, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होगी जिससे कि हम गति करना प्रारंभ कर देते हैं, गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह है मोटिवेशन होगी। मतलब मोटिवेशन मतलब होगा कि सपोज करिए कि आपके पास आपको एक झूला दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का झूला रहता है, और झूले को देखकर अगर आपको झूलने की इच्छा होने लगती है, झूलने की इच्छा होने लगती है, तो यह आपका मोटिवेशन होगा। यानी आपका मन गति करने लगा और उसके कारण आप भी गति करने लगोगे। तो इसका मतलब है कि मोटम शब्द जो है वो कुछ इसी प्रकार की गति की ओर इशारा कर रहा है। गतियां आपकी दो प्रकार की हो जाएंगी, शारीरिक गति और मानसिक गति। शारीरिक गति और मानसिक गति। शारीरिक गति का तात्पर्य है कि जब हमारे मोटिवेशन के कारण हम शारीरिक रूप से गति करें, तो इसे आप शारीरिक गतियों के अंतर्गत रखोगे। और जब हम मोटिवेशन के कारण मानसिक रूप से गति करें, मतलब मानसिक प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दें, लर्निंग स्टार्ट कर दें, तो यह आपका हो जाएगा मानसिक गति। अब हम जानेंगे कि मोटिवेशन की परिभाषा क्या होती है। मोटिवेशन की परिभाषा, मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी उत्तेजना हो ऐसी उत्तेजना जो कार्य करने के लिए प्रेरित करे, कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, प्रेरित कर दे, वही उत्तेजना मोटिवेशन कहलाती है। अर्थात जैसे कि यहाँ पर अगर आपने झूले पे बात की थी, तो आपका मोटिवेशन हो जाएगा झूला, और झूला आपका बाह्य मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। मोटिवेशन का बाह्य कारक होगा ये। फिर हम देखते हैं कि मोटिवेशन की साइकोलॉजिकल परिभाषा क्या होगी। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक परिभाषा की बात करते हैं हम। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति की आंतरिक उत्तेजना जो कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे। उसने कुछ नहीं किया, इस उत्तेजना की जगह उन्होंने आंतरिक उत्तेजना शब्द का यूज कर दिया। अर्थात व्यक्ति की आंतरिक उत्तेजना जो कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, वह आपकी प्रेरणा के अंतर्गत रखी जाएगी। अब हम जानेंगे कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों प्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली सकारात्मक प्रेरणा होती है और दूसरी नकारात्मक प्रेरणा होती है।
सकारात्मक प्रेरणा। बच्चा सकारात्मक प्रेरणा वह होती है, सकारात्मक प्रेरणा वह होगी जिसमें बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करे, स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करे। वह सकारात्मक प्रेरणा होगी, वह सकारात्मक प्रेरणा होगी, और जिसमें बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करेगा, वह उसकी नकारात्मक प्रेरणा हो जाएगी। मतलब देखते हैं कि इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा को आप बता सकते हो। कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, मान लीजिए कि ये बालक ए है और यह बालक दूसरे बच्चे को पढ़ते देख, दूसरे बच्चे को पढ़ते देखकर, मतलब यह बालक बी हो गया और इसको पढ़ते देखकर उसके मन में, उसके मन में इच्छा जागृत हो गई। किसके मन में? इसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। और इसकी एक विशेष टॉपिक, जो व्यक्ति बी पढ़ रहा था, सपोज करिए यह अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रहा था, अब्राहम लिंकन के बारे में, तो इनके अंदर क्या हुआ, व्यक्ति ए के अंदर एक रुचि उत्पन्न हुई कि मुझे भी अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ना चाहिए। और जब अब्राहम लिंकन के विषय में पढ़ने की रुचि या इच्छा उत्पन्न हुई, तो यह व्यक्ति की सकारात्मक प्रेरणा थी, सकारात्मक, यह व्यक्ति की सकारात्मक प्रेरणा थी, मतलब सॉरी बच्चे की सकारात्मक प्रेरणा रही है। लेकिन अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करें, तो एक बालक ए है और एक बालक बी है, एक टीचर ने कहा कि आपको अब्राहम लिंकन के बारे में जानकर आना है, अब्राहम लिंकन के बारे में जानकर आना है। दोनों ही बच्चों से कहा कि अब्राहम लिंकन के बारे में आपको जानकर आना है और कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। और आप जान रहे हो कि अब्राहम लिंकन के बारे में बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं और यह पढ़ने का प्रयास बेसिकली दंड के कारण होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम इसे सुना नहीं पाएंगे, यदि इस टॉपिक पे हम जानकारी नहीं दे पाएंगे टीचर को, तो टीचर हमें दंड प्रदान कर सकता है। और दंड की स्थिति में बालक के अंदर जो मोटिवेशन उत्पन्न होगा, वह होगा आपका नकारात्मक मोटिवेशन। अब हम बात करेंगे कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से कर रखा है, तो हम देखें कि किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। तो पहली बात करते हैं, पहली बात अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो ने इसको दो तरीके से विभाजित किया है, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित। जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणाएं, दो प्रकार से इसने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। जन्मजात में आप देखते हो कि ऐसी अभिप्रेरणाएं जो हमें जन्म से मिली होती हैं, जैसे कि यहाँ पर भूख, प्यास, काम, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ये सभी अभिप्रेरणाएं हमें जन्मजात रूप से मिली होती हैं। और यदि अर्जित की बात की जाए तो यहाँ पर सम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार,
सम्मान प्रतिष्ठा पुरस्कार पद कुछ इस प्रकार की प्रेरणाएं होंगी जिन्हें व्यक्ति अर्जित करता है। सम्मान भी अर्जित करता है, किसी भी व्यक्ति का जन्म से ही सम्मान नहीं होता, उसको सम्मान बनाना पड़ता है, अपनी प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें सम्मान का निर्माण करना पड़ता है और सम्मान का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता है, इसलिए यह एक अर्जित प्रेरणा होगी। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी किसी न किसी विशेष बिंदु पर जैसे कि आप देखते हो कि राजनैतिक व्यक्ति हो गया, राजनैतिक व्यक्ति राजनीति में, इसी के साथ साथ टीचर शिक्षण में, उद्योगपति उद्योग में, यानी किसी विशेष बिंदुओं पर वो लोग अपने आप में महारत हासिल कर लेते हैं और जब महारत हासिल कर लेते हैं तभी उन्हें प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और फिर पुरस्कार की बात की जाए तो पुरस्कार भी हमें हमारे कार्यों के लिए ही मिलता है, हमारे कार्यों के लिए, और जो कार्य अच्छे होंगे उन्हीं के लिए पुरस्कार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसे भी कहा जा सकता है कि यह एक अर्जित प्रेरणा होगी। अगर हम पद की बात करें तो पद की प्राप्ति यानी पद की प्रोन्नति या प्राप्ति, जो भी होगा वो हमारी ही इच्छा और लगन के कारण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें अगर तो हम यह जानेंगे कि आपकी एक डाइट होती है, डाइट मतलब शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कहते हैं, और यहाँ पर एक प्रवक्ता होता है, वह प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता बनता है, वरिष्ठ प्रवक्ता बीएसए या डाइट उप प्राचार्य बनता है, तो कहने का मतलब है, कि हर एक पद पर, प्रवक्ता के पद पर हो या वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर हो, इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे और जब अच्छे कार्य किए होंगे तभी इन्हें आगे वाला पद प्राप्त हुआ है। इनको प्रवक्ता के पद पर पहुंचने के लिए भी बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ा होगा और अध्ययन के पश्चात ही इन्होंने प्रवक्ता का पद अर्जित किया होगा। तो इसका मतलब है कि पद भी एक प्रकार की अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखी जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने अब्राहम मैस्लो के जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणाओं के विषय में बात की, अब हम थॉम्पसन की अभिप्रेरणाओं के विषय में जानेंगे कि थॉम्पसन ने क्या कहा है। तो थॉम्पसन का जो वर्गीकरण रहेगा, थॉम्पसन ने दो प्रकार के अभिप्रेरणाओं की बात कही है, एक स्वाभाविक और दूसरी कृत्रिम स्वाभाविक अभिप्रेरणाओं में इसने अनुकरण खेल भावना इसके साथ साथ सुख प्राप्ति अनुकरण खेल भावना और सुख प्राप्ति को रखा है। आप देखते हो कि हम किसी भी व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमें वह व्यक्ति अच्छा लग रहा होगा, उसके विचार अच्छे लग रहे होंगे, तो हम उसका स्वाभाविक रूप से अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक अनुप्रेरणा के अंतर्गत रखी जाएगी। इसी प्रकार खेल भावना, खेल को देखते ही हमारे मन में खेल खेलने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो यह भी स्वाभाविक अभिप्रेरणा का अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ साथ सुख प्राप्ति, यह भी अगर हमारे मन में सुख की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो रही है तो यह भी स्वाभाविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखा जाएगा। और आप जानते हो कि सुख की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से ही होती है,
कृत्रिम रूप से सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। सपोज करिए, एज एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि बालिका ए है और उसे इच्छा किसकी है, इच्छा है किताब पढ़ने की और उसके पापा उसे गुड़िया ला कर दे दें तो क्या वह जो गुड़िया दी जाएगी, वह बालिका के अंदर सुख प्राप्ति की भावना को बढ़ा सकती है या सुख प्राप्ति की भावना को जागृत कर सकती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, यानी उसे गुड़िया की इच्छा ही नहीं थी। और जब इच्छा नहीं होगी तो वह इसे देखकर सुख प्राप्ति कैसे करेगी? और इसी की जगह अगर उनके पिताजी ने उनको किताब दी तो वह खुश हो जाएगी, सुख की प्राप्ति कर लेगी और यही आपका स्वाभाविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत हो जाएगा। फिर हम देखें कि कृत्रिम अभिप्रेरणाओं में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी। तो कृत्रिम अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत दंड, पुरस्कार, सहयोग, कुछ इस प्रकार की अभिप्रेरणाएँ रखी जाएंगी। और यह अभिप्रेरणाएँ कृत्रिम क्यों कही गई हैं? क्योंकि इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभाव के कारण हमारे मस्तिष्क में स्थापित किया जाता है। जैसे कि दंड के कारण हमारे मन में जो अभिप्रेरणा होगी, जन्म लेगी, वह कृत्रिम अभिप्रेरणा हो जाएगी। पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में कृत्रिम रूप से जागृत होगी। जब हमें पता होगा कि हमारे शिक्षक हमें इस अमुक टॉपिक को पढ़ाने पर या समझाने पर या सुनाने पर हमें पुरस्कार देंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे मन में कृत्रिम अभिप्रेरणा जागृत होगी। सहयोग की भावना जब कोई व्यक्ति बाह्य रूप से सहयोग करेगा, जैसे कि शिक्षक बालक का सहयोग करता है, तो इस सहयोग के कारण जो अभिप्रेरणा हमारे अंदर जन्म लेगी, वह आपकी कृत्रिम अभिप्रेरणा बन जाएगी। तो हमने थॉम्पसन के स्वाभाविक एवं कृत्रिम दो प्रकार के वर्गीकरणों को जाना है। और अब हम जानेंगे गैरेट का वर्गीकरण, जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखते हैं, गैरेट ने तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है। इन्होंने पहला दैहिक, द्वितीय मनोवैज्ञानिक और तीसरा होगा आपका समाजशास्त्री या सामाजिक। दैहिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक, तीन प्रकार के वर्गीकरण को इन्होंने किया है। और दैहिक के अंतर्गत इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको मोटिवेट करें, उन्हें हम दैहिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखेंगे। और इसके अंतर्गत इन्होंने संवेग को रखा। फिर इसके बाद मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत बात करें तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की बात करी। इन मूल प्रवृत्तियों में इन्होंने जैसे कि क्रोध, भय आदि चीज़ों को दर्शाया है। मनोवैज्ञानिक रूप से इन्होंने प्रमूल प्रवृत्तियों को, क्रोध और भय, तीन बिंदुओं को दर्शाया है। इसके अलावा भी जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं, इन पर भी इन्होंने बात की है।
सामाजिक अवप्रेरणा में फिर से वही आ जाता है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामुदायिकता, ऐसी अवप्रेरणाएँ जो कि हमें समाज से प्राप्त हो जाती हैं, समाज से प्राप्त होती हैं, या समाज हमें उन्हें करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा, तो वह आपकी सामाजिक अवप्रेरणाएँ हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे बच्चा कि किस प्रकार से मोटिवेशन हमारे मन में स्टार्ट होता है, किस प्रकार से मोटिवेशन की प्रोसेस होती है और मोटिवेशन के सोपान क्या होंगे, इन चीज़ों पर भी हम पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मोटिवेशन के सोपान कितने होते हैं। सोपानों की बात की जाए तो सबसे पहला आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद या प्रणोद। चालक, अंतर्नोद या प्रणोद, इसके बाद प्रोत्साहन, प्रोत्साहन यानी नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। और इसके अलावा एक प्रेरक भी होता है बिंदु, और जो कि उसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो पहला आपका है सोपान आवश्यकता, फिर इसके बाद ड्राइव, और फिर इसके बाद प्रोत्साहन। मतलब नीड, इंसेंटिव एंड ड्राइव, तीन प्रकार के कुछ सोपान बताए गए हैं। तो हम देखें कि किसी भी बालक को, ये मान लीजिए बालक है, बालक ए कहें, और बालक ए को शरीर में, बालक ए के शरीर में पानी की कमी हो गई, पानी की कमी, पानी की कमी हो गई, और इसकी पूर्ति करना, इसकी पूर्ति करना उस बालक की आवश्यकता होगी, उस बालक की आवश्यकता होगी इसकी पूर्ति, किसकी, शरीर में पानी की कमी की पूर्ति, और यह बालक की आवश्यकता बन गई, यह बालक की आवश्यकता बन गई। इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप एक चालक उत्पन्न हुआ, एक तनाव उत्पन्न हुआ मन में, जिसे आप कहोगे प्यास। इसके फलस्वरूप एक चालक उत्पन्न हुआ या तनाव उत्पन्न हुआ, उसे आप कहोगे प्यास। और इस प्यास के कारण अगर हमें पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, तो यह हमारा बन जाएगा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन यानी प्रोत्साहन क्या होगा, प्रोत्साहन होगा जो चालक को न्यून कर देता है, चालक को न्यून कर देता है, या चालक को जीरो कर देता है, कम कर देता है, तो वह आपका प्रोत्साहन होता है। जैसे कि यहाँ पर पानी प्रोत्साहन के रूप में है, आपको पानी मिल जाएगा, चालक आपका स्लो हो जाएगा या पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, और इसके बाद आपके आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, यानी शरीर में पानी की कमी की पूर्ति हो जाएगी। और इस प्रकार ये पूरे के पूरे सोपान तीन प्रकार के सोपान रहे, आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद या प्रणोद, प्रोत्साहन। आवश्यकता होता है मतलब व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में कोई ऐसा भाव जागृत हो, या कोई ऐसी कमी हो जाए, कोई ऐसी कमी हो जाए जिसके कारण वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, वह आपकी आवश्यकता होगी। फिर चालक, अंतर्नोद या प्रणोद क्या होगा, आवश्यकता के कारण, आवश्यकता के कारण मन में जो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव मतलब स्ट्रेस आ जाता है, उसे हम कहते हैं चालक, अंतर्नोद या प्रणोद। और फिर इसके बाद उस स्ट्रेस को, उस स्ट्रेस को संतुलन की स्थिति में जो चीज़ें लाती हैं, जो तत्व लाते हैं, जो प्रक्रियाएं लाती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोत्साहन।
वह आपके इंसेंटिव के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से अभिप्रेरणा का टॉपिक खत्म होता है। कल हम बात करेंगे अभिप्रेरणा से संबंधित शिक्षा में क्या इसके उपयोग रहेंगे, इस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। और आज हमने पूरे के पूरे मोटिवेशन के विषय में जान लिया है और फिर हम धीरे धीरे करके इन टॉपिक को ख़त्म करते चलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जहानाबाद हार्दिक स्वागत करता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।